गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छेड़े मोहड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है, और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं, यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है, और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो, जीवन अपना नाश कराया, हमारे पूर्वजों का बट्ठा बठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे, हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धारक ये नीच जाति का ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई, लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है, वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पखड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहाँ ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे, तो उसमें परमात्मा के ऊपर बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे, लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो तब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम सिरोधार्य माना करते थे, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों को हम सत मानते हैं, पूरा विश्व सत मानता है, विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवद गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवद गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है, और उसके बाद 18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2500-3000 वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवद गीता को भी उन्होंने सामान्तर सम्मान दिया है, और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है,
इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं। तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सद्ग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस थ्योरी को आम नकारा नहीं कर सकते जिसको आज तक श्रद्धालु मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल दोनों से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सदग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल, जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, ब्रह्म ने मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्माओं, दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छिड़े मूड किसाना, गुरु बिन बेद पड़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इस ब्रह्मणे मुखे शब्द का हमारे अनुवादकर्ताओं ने, इस दास से पहले जो अनुवाद दास ने किया है, गहरी नज़र गीता में एक पुस्तक बनाई है, यानी उसका अनुवाद समझो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद है, उसका नाम लिखा है गहरी नज़र गीता में। इससे पहले जितने महापुरुषों के आप अनुवाद उठाकर देखोगे उसमें क्या लिख रखा है, वेद की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ किया है वेद की वाणी। और इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मणे का अर्थ किया है सचिदानंद घन ब्रह्म, वो यथार्थ अनुवाद है, वो सही अर्थ है, यहाँ ये विचलित हो गए। तो ये विद्वान नहीं थे, इसलिए इन्होंने अनुवादों का अड़ंगा कर दिया, अपनी ओछी सोच से अर्थ भी अनर्थ कर दिए। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, तो ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है तो महामूर्ख है। वेद एक सिद्धांत है, संविधान है, भगवान की जानकारी देता है, उसके नियम बताता है, और ब्रह्म भगवान है। जैसे एक राजा है, राजा का संविधान है, वो उसके नियमों का, उसके अंदर उसके सारे नियम लिखे हुए हैं, कैसे एक प्रजा को रहना चाहिए, क्या अपराध है, कैसा ना करना चाहिए। और कहीं पर कोई राजा का अर्थ और संविधान लिख दे तो वो अर्थ ठीक नहीं कर रहा, अनर्थ कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म ने माने सचिदानंद घन ब्रह्म, और मुखे अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे हैं,
सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली उस अमृतवाणी में उन धार्मिक युगों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उसको जानने के बाद तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। जैसे दास ने शब्द सबसे पहले ये बोला था कि ब्रह्म, ब्रह्म शब्द पर्याप्त है, लेकिन ब्रह्म का अर्थ भगवान कहो, साब कहो, राम कहो, तो ये सत्संग एक ऐसा जटिल समस्या बन गई जो अध्यात्म मार्ग, कि दास यदि किसी पॉइंट को कच्चा छोड़ के आगे चलेगा तो प्रथम बार सुन रहा भक्त कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक ये सामूहिक लेक्चर दिया जाता है आध्यात्मिक टीचर होने के नाते, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि शायद प्रथम कक्षा के बच्चे भी आए जो पहली बार दीक्षा लेने आए, और किसी के वैसे कहने से वैसे भी श्रोतावन कराते, तो ये इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जैसे साहब कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब है, प्रभु है, स्वामी है अपने अपने विभाग का, ऐसे ही आगे चले हम थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है, आप अंडरस्टूड, आपको खूब समझते हो आप कि ये साहब कितने स्तर के हैं, और प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं और राष्ट्रपति जी भी साहब ही कहलाते हैं, तो इसे समझ लेना। तो ये इसलिए ब्रह्म, अब जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, ये कक्षेत्र के मालिक हैं, स्वामी हैं, ये पूर्ण स्वामी नहीं है, पूरे भारत के स्वामी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ जो ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूँ, ये काल ही है, और काल भी स्वामी है। जैसे एक जेल का सुपरिटेंडेंट, वो जेल का स्वामी है और सुपरिटेंडेंट साहब भी है, ऐसे ही ये काल साहब है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, या एक जेल है, यो जेल का सुपरिटेंडेंट साहब है, ये समझ लो। तो ऐसी ऐसी इसने 21 जेल बना रखी है, एक ब्रह्मांड भी ये जेल है, तो ऐसे ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म शब्द बोला गया। तो यहाँ प्रत्येक इसके अंग को हमने समझने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे कुप्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, कभी कहता अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, जोरा जी रहा है, और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भी कौन है, फलाना सरपंच हूँ, और जब वो सरपंच नहीं होता। तो ऐसे ही दास ने कबीर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है, एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया, दास बोल कर सुना रहा है रिकॉर्ड करके, इतना सा योगदान है। तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में या तीन लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी, और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे, और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच।
अब उसका कोई अस्तित्व नहीं, तो वो बोल के उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं, दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई, और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले के, अभी बहुत बार होती रहती हैं घटनाएं कि कोई 500 हज़ार के नोट नकली छाप देता है और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महापरोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं इसमें, श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये तीन लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के, इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता, इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहाँ ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को। अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे उसको, पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है। उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसका वो छुटकारा पा लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जिस तो सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और 16-17 श्लोक में तीन पुरुष, तीन भगवान, तीन ब्रह्म स्पष्ट किए हैं। सर्वपुरुष कहो, सर्वब्रह्म कहो, ये तो काल है। सर्व माने नाशवान, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये सर्वब्रह्म है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहो, पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत लंबी है लेकिन इसकी भी मृत्यु है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है, ये चिरस्थाई है। और फिर तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वो बताया उत्तम पुरुषत्व अन्य, जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम अविश्य विवर्ति अवैश्वर है, वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है, जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, इनसे कोई अन्य है वो परमात्मा जो सबका धारण पोषण करता तीनों लोकों में प्रवेश करके। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि ऊपर को जड़ और नीचे को
शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। और जो संत इसके सभी विभाग बता गए न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद का ज्ञाता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा उनका विधान है कि वो स्वयं आकर अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं जो हमारे नकली धर्मगुरुओं ने डुप्लीकेटों ने रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल रखा था, धानक जुलाहा कहकर उसकी वाणी झूठी कहकर। आज दास को परमात्मा ने जोरी बनाया, उस लाल को परख्या और उसको कूड़े की टोकरी से उठाकर आज सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। और जिसको पाकर उसके बच्चे आज धनी हो रहे हैं, अध्यात्म मार्ग से वो पूर्ण, अध्यात्म धन से वो परिपूर्ण होते जा रहे हैं जो उनका सुख का मूल है। और शास्त्र विद साधना दुख की मूल होती है जो आज तक हम सभी करते रहे। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसारे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा उसके आगे शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब आपको बहुत बार उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र बनाया है, वो दिखाया है। तो परमात्मा ने मूल को छोड़ दिया, जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो सारे पार्ट बता दिए। तना उसको अक्षर पुरुष समझो, उससे तने से मोटी डहर निकले उसको सरपुरुष, और सरपुरुष के आगे फिर वो तीन शाखाएं हों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो, इतना बता दिया। और पात रूप संसार, फिर इस दास को भेजा ये बताने के लिए कि मूल कौन है, ये जड़ वही है जो सबका धारण पोषण करता है, सबका उत्पन्न करने वाला है, सबका संरक्षक है, जो सर्व सुखदायी है, जो परम अक्षर ब्रह्म, जो अविनाशी परमात्मा है, वो वही है। कौन? अब दास ने बताया कि इसमें परमात्मा को पहचानने में दोनों पहलू काम करेंगे। एक तो हमारी थ्योरी, हमारा जो सिलेबस पाठ्यक्रम और साथ में प्रैक्टिकल, पाठ्यक्रम बता रहा है और फिर वो प्रैक्टिकल, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया उन महापुरुषों ने, जिनको भगवान मिले सचखंड लेकर गए, सतलोक ले गए फिर वापस छोड़ा, उनमें से 6-7 शुभ नाम दास का याद है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांधोगढ़ मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ होगा वो, और आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। तो इन महापुरुषों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में दास बताना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजन हारे। तो वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष के, वो कबीर है। कबीर परमात्मा कौन? उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसे परम पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो, ये उनके उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर देव है, उसको अल्लाहु अकबर कहो, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, कबीर भगवान,
अल्लाह ने भगवान अकबर अकबरी अकबीर कबीर ये कबीर को ही अपभ्रंश करके अकबर बोलते हैं, जैसे हम कबीरू बोल देते हैं, कबीरा बोला करते थे, जैसे गरीबदास जी को गांव वाले गरीबू कहा करते थे, तो ऐसे हम अपभ्रंश करके अपने नाम रख लेते हैं। उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर। अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं। अब इसमें दोनों पहलू साथ चलेंगे कि जिनको भगवान मिले उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और जो हमारे सदग्रंथ आज तक हमें ज्ञान दे रहे थे हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, वो हमारा दुर्भाग्य और उनका भी दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि वो उनकी बुद्धि काल के वश थी। अब हम सतगुरु शरण में आ गए तो हमारे ऊपर काल की जकड़ नहीं रही, इसलिए आप इस ज्ञान को समझ रहे हो। जिस दिन आपका नाम खंड हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन कट गया, परमात्मा का पंजा आपसे उठ जाएगा, आपको यही शब्द कड़वे लगने लग जाएंगे, और ये हमारे यहाँ भक्त भी आपको बुरे बुरे दिखाई देंगे, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की गांठ बांध रखी इसने, चक्कर बांध रखा, समझने नहीं दिया। आपकी क्या औकात, आप इस मालिक की शरण से दूर होकर आप सुखी हो जाओगे? जून का महीना हो और एसी रूम से बाहर निकल कर कोई सुखी हो सकता है? चाहे शराब पी कर चाहे निकले जा बाहर गली में पड़ा रहो, बेशक वो कहा रहो शराब के नशे में कोई बहुत सुखी हूँ, अब सुखी हूँ, खाक सुखी है, रेत में पड़ा पसीने आए पड़े झागा रे मुख में। तो ऐसी दशा उन लोगों की जो भगवान से दूर हटकर इस काल के खेमे में खेल खेल रहे हैं, चाहे वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति भी नकली, या संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए वो को प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस काल की साधना से सुख हो ही नहीं सकता। सुख होगा तो इस परमात्मा की ही रजा से, इस साधना से होगा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने प्रैक्टिकल बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके, अजब नगर में ऐसे अजब कमाल के लोक में लेके गए भगवान मुझे खुद आकर के, और झलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, यानी वो सतगुरु भी हैं वो भगवान भी हैं। जो सतगुरु होता है सच्चा ज्ञान तो देता है, भगवान ही देता है, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है, तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु कहो चाहे परमेश्वर कहो। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके, ये हमारी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में लिखा ग्रंथ है, और जल के बम्ब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान, चादर तान के सोना, यानी कति निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र होकर सोना, एक मुहारा है यहाँ देसी कि अच्छा चादर तान के सोए है, सारे काम कर लिए। तो इस तरह कहते हम तो निश्चिंत हो गए कि साधना हमारी सत, भगवान मिल गए, आँखों सतलोक देख लिया, सत साधना करते रहेंगे, गलती हम करें नहीं, हम निश्चिंत हो गए, हमारे अंदर कोई अब शंका नहीं रही कौन भगवान है और क्या उसको प्राप्त करने का मेथड है, वो सब कंप्लीट प्राप्त हो गया, आँखों देखा। तो दास आपको इतना ही दृढ़ करना चाहता है, देखो माता पिता अपनी बिटिया का विवाह करते हैं तो वो जाकर लड़के वाले का घर भी देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से भी परिचित होते हैं, अन्य थर्ड पर्सन से भी पूछते हैं, फिर वो आकर घर बताते हैं कि हम जो लड़का देख कर आए हैं उसके ये बिजनेस है, उसके ये व्यापार है, इतनी उसको प्रॉपर्टी है, तो लड़की को कोई डाउट नहीं होता क्योंकि पिता बता रहा है, थर्ड पर्सन कहे तो शायद शंका हो जा। तो इसी प्रकार उस परम पिता ने आके आपको ज्ञान दिया है कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर साथ के साथ अपने गवाह भी तैयार कर रखे, इब लड़की नू कह मैं जाकर देख के आऊँगी तो वह भी एक बात है, देखा पिताजी झूठ नहीं बोल रहे। तो इसी प्रकार आप जी ने
एक नेक भक्त का भी आचरण एक दिखाना है कि जो दास बोल रहा है वो किसी डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, एच इट इज, जो भगवान ने बताया और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्हें जो का तू सेकंड किया, हमारे सदग्रंथ बता रहे।